किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उन्हीं की वजह से हमारा जीवन चलता है। लेकिन हर साल किसान बारिश के समय काफी पीड़ा महसूस करते हैं, जब भारी बारिश की वजह से उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। एक बार फिर अब मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की खेती खराब हो गई है और खेतों में ही सड़ने लगी है, जिसको लेकर के किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सुनिए, मध्य प्रदेश के किसानों ने सोयाबीन की खेती नष्ट होने पर सरकार से क्या गुहार लगाई और इस मामले पर प्रशासन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं रख रही है और हर तरफ देखो पानी भरा हुआ, पूरे फसल सड़ गई है, हालत खराब है। बाकी सरकार से नम्र निवेदन कि इस चीज में थोड़ा सर्वे करवाए और मुआवजा करवाए और किसानों की तरफ देखे, हालात बहुत बेकार है किसानों की। कि खेत में ही सोयाबीन तीर रहे हैं और सारे सोयाबीन खेत में ही सड़ रहे हैं, बहुत बेकार हालत है। तो उगने भी लग गई सोयाबीन, सारे सोयाबीन उगने लग गए और सोयाबीन ब्याज पे पैसे लेके सोयाबीन बोए थे। अगर सोयाबीन पूरी तरह खत्म होता तो अगली फसल कैसे बोएंगे? अगली फसल का कोई अनुमान नहीं है कि बो पाएंगे कि नहीं बो पाएंगे। क्या हालत है भी किसानों की? इतनी बेकार हालत है कि वो जो बोया बीज भी नहीं निकल रहा है। ये बात सही है कि कहीं इलाकों में, स्पेशली हमारा यदि बात करें सदन देवास में, उदयनगर कांटा फोर्ट की तरफ में कहीं कहीं पर ऐसी शिकायतें आई हैं कि सोयाबीन अधिक मात्रा में खराब हुई है। हालांकि लगातार प्रमोट किया जाता है और बहुत सारे किसान हमारे ज़िले में बीमा करवाते भी हैं, उसका प्रीमियम भरते भी हैं, तो यकीनन जहां जहां पर इस प्रकार का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है वहां बीमे से कंपनसेशन दिया जाएगा। जहां तक बात आती है कंपनसेशन की RBC के अंतर्गत, तो ये निर्देश दिए गए हैं तहसीलदारों को कि जहां पर हमको लगता है कि अधिक नुकसानी हुई है वहां पर कृषि विभाग के साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्वे करवा ले ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके।